Yes, good morning, students. Am I audible? Yes. Right. So it's only 10th B, isn't it? So can anyone tell me, please, what do you mean by metals? Metals क्या होते हैं? नहीं देखो नहीं है, नहीं है, पूछ लिया। लिखा हुआ है एलिमेंट्स टेंथ ए में कोई प्रॉब्लम है अगर किसी को पता हो, या फिर पता करके बताइए जरा। टेंथ ए इज नॉट इन द मीटिंग ना। Tenth is not there. Yes, 10th B, Paramveer. Come in front of the mic. Absent. Absent. Okay, Jagjeet Kaur. हाँ जी बेटा, what do you mean by metals? मेटल आर शाइनी सरफेस दे आर इलेक्ट्रिक मैम कंडक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर. They conduct heat and electricity, you can say. ठीक है, ओके। एनीवन एल्स विद डिफरेंट डेफिनेशन? यस, सुखमणि कौर। एनीथिंग डिफरेंट विच यू वांट टू टेल? मैम मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स जो पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज को लूज करते हैं। ओके, गो बैक टू योर सीट, आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके अंकित, आइए बेटा, चलिए मुझे बताइए सेम चीज, मेटल्स क्या होते हैं, या चलो आप मुझे नॉन मेटल्स बताइए क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटल्स? मैम नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट लस्टरस, दे आर नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, एंड दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे डू नॉट जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। Right. But if I asked you what are the properties of non-metals, then how will you tell me? What are the properties of non-metal? मैम दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट मेलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट लस्टरस, दे आर नॉट सोनरस। राइट। अब मुझे ये बताओ, मैंने जब डेफिनेशन पूछी तब भी आपने यही पॉइंट्स बोले, जब मैंने प्रॉपर्टीज पूछी तब भी यही पॉइंट्स बोले, तो वेयर इज द डिफरेंस? बताओ जरा, किसी को आता हो तो। हां जी, सुखमनी कौर ने थोड़ा सा बेटर आंसर दिया था। ठीक है, जो आप ये डिफाइन कर रहे हो ना, आप चले जाइए बेटा अंकित, गो बैक टू योर सीट। जो आपने मुझे आंसर दिया, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस, यू आर टेलिंग मी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हाउ विल यू टेल मी दैट व्हाट आर मेटल्स? ठीक है, कौन बता सकता है? बहुत इजी सा आंसर है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको मेटल्स या नॉन मेटल का पता होने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए उस एलिमेंट के साथ पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है। All those elements which have positive charge, which form positive ions, they are called metals. तो metals क्या है basically? Metals are electro positive element. मैं लिखवाती हूँ definition, ठीक है बच्चे? हमने properties और definition को mix नहीं करना। There should be some difference between properties and definition. ठीक है, जो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, कहाँ देखा ये चीज, Na+, Mg+2, कभी देखा देखा लगे कहीं पे, पढ़ा हो? कहाँ पढ़ा बेटा? कोई पता करेगा कि 10th A में क्या प्रॉब्लम आ रही है? 10th A इज नॉट देयर। 10th A है, क्लास में है,
4 to 5 minutes they are going to join. ओके 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 मैम, एक्चुअली द कैमरा इज आई थिंक ऑफ द, ओके नाउ इट्स देयर। ये 10th ही क्लास ने कुछ सुना जो अभी मैंने बोला था, और शुड आई रिपीट द थिंग्स, शुड आई रिपीट? सो हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने कभी भी मेटल एंड नॉन मेटल को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफाइन नहीं करना। वी विल नॉट से मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस, बिकॉज दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। ठीक है, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मेटल, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल। वेन एवर यू आर आस्क्ड टू डिफाइन मेटल्स, यू विल से मेटल्स आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, दे आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक दिस। ठीक है, समझ आया? ये कहां पर चीजें पढ़ी आपने, ये सिंबल्स कहां देखे हुए हैं और ये क्यों बनते हैं? हम तो ये पढ़ते हैं सोडियम, हमने तो ऐसे ही देखा होगा ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। ये प्लस साइन कहाँ से आया और क्यों आया? आई थिंक ये चीजें पता होनी चाहिए। स्टिल आई विल टेल यू, किसको आता है तो आ जाओ आगे। मैम, क्योंकि ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो लूज कर देते हैं, तो इनमें पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर ये गेन करे तो नेगेटिव चार्ज आ जाता ये है। गेन नहीं कर पाएंगे नॉन मेटल्स के। ठीक है, मेटल्स विल। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? देखो बेटा, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एलिमेंट के सराउंडिंग में क्या रिवॉल्व करते हैं, कोई भी एटम के सराउंडिंग में, ये न्यूक्लियस है, लेटर से। ठीक है, इसके आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं टू बिकम स्टेबल। ये सब आई थिंक आपने 9th में वैलेंसी के टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा। किस किस को याद है ये टॉपिक कि वैलेंसी हमने पढ़ी थी? वैलेंसी में गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। किस किस को याद है ये? यस 10th है, एम आई ऑडिबल? ओके, कुछ स्टूडेंट, सबको याद नहीं है। थोड़ा सा हम इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं पहले वैलेंसी वाले को, क्योंकि वेलेंसी से ही आगे जाकर हमने डॉट स्ट्रक्चर्स करनी है, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे एंड डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने में हेल्प रहेगी। क्रैम तो आप कर लोगे, आई एम नॉट हियर टू मेक यू क्रैम द थिंग्स। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्यों हम इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल रहे हैं। आपको ये एग्जाम्पल्स रट्टा ना मारनी पड़े। ठीक है, आप कुछ भी रैंडमली अपने हिसाब से सोचकर एग्जाम्पल लिख सको। ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ऑल दोज एलिमेंट्स। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, कौन से एलिमेंट का स्ट्रक्चर है ये, कौन बता सकते हैं? देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम। लिथियम। ठीक है, दिस इज द लिथियम, गुड, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, राइट? इज इट क्लियर? तो ये क्या करेगा, इसको अपने आप को स्टेबल करना है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लूज कर देगा, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, तो लूज करने के बाद इसके पास बस न्यूक्लियस बचेगा और एक शेल बचेगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। नाउ लिथियम इज स्टेबल एंड द वैलेंसी ऑफ लिथियम विल बिकम, लिथियम की वैलेंसी हो जाएगी +1। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, लिथियम इज अ मेटल और नॉन मेटल? मेटल मेटल। समझ आई ये चीज? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ठीक है, सपोज करो अगेन आई हैव एन एटम, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। ठीक है, लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, लेट अस से 6 इलेक्ट्रॉन। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया अभी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आउटर शेल में, 2 इधर, तो कितने हो गए? 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 8। ठीक है, नाउ व्हाट इट विल डू, व्हाट इट विल डू टू बिकम स्टेबल? इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा बेटा।
दो इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे ताकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल कैसे समझेगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, आइदर इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन और इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। जो भी नियर बाय नंबर होगा, अगर लूज करने में कम नंबर है तो लूज हो जाएंगे, गेन करने में कम नंबर है तो गेन, क्योंकि अगर ये लूज करेगा तो लूज कितने करने पड़ते, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इजी है ना गेन करना, तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ इट विल बिकम, गेन किया तो O2 नेगेटिव। तो नाउ टेल मी, ऑक्सीजन इज अ मेटल और नॉन मेटल? नॉन मेटल, राइट। तो मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली आप मैग्नीशियम का बता सकते हो क्यों, कैसे बनेगा? यस, चलिए सपोज ये मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा? 1 2, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी। अगर मैग्नीशियम का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर इज 12, तो इट विल गेन हैव 2 8 2। ठीक है, तो इट विल हैव द थर्ड शेल आल्सो। ठीक है, इसके पास थर्ड शेल भी होगा, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा बेटा, मैग्नीशियम क्या करेगा? तो अब मुझे ये बताओ, इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी है? लूज करेगा, तो अगर लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Mg+2 Mg+2। तो ये मेटल हुआ। Yes. तो अब आपको एग्जाम्पल्स क्रैम नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है? अब आप खुद से एग्जाम्पल लिख सकते हो। प्रोवाइडिंग यू मस्ट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। ठीक है, वेन एवर वी हैव द नेक्स्ट क्लास, मेरे को याद करवा देना, मैं सबसे सुनूंगी पहले एटॉमिक नंबर। ठीक है, यू शुड लर्न द एटॉमिक नंबर, फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर। ठीक है, 9th में किए होंगे बेटा आप सबने एटॉमिक नंबर्स लर्न, है ना? तो ये टॉपिक क्लियर है? ठीक है, चलिए नॉन मेटल्स की डेफिनेशन लिख लो बेटा। इट इज अ शॉर्ट डेफिनेशन, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। लिखो जरा, मैं लिखवा दू एक। मेटल्स आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, हो गया ये सबका? फॉर एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, दोनों तीनों एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। डन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिखिए, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज यस, कैन एनीवन टेल मी? नो, इट्स नॉट आयरन, तभी लिख पाया। इट्स एल्यूमिनियम, लिखिए सर, इट्स एल्यूमिनियम। डन। यस सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है हमारी आयरन, द
सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इज आयरन. ठीक है, चलिए अभी नॉन मेटल्स की डेफिनेशन लिखिए जरा. दे आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दे आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, लिख लीजिए ओ टू नेगेटिव, एन थ्री नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बहुत सारी है नॉन मेटल्स. हाँ जी बच्चे, डन? चलिए इसमें भी लिख लो, द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज. यस, कोई बताएगा? चलिए, इस ऑक्सीजन, चलिए अभी आपको बोर्ड के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई दिख रही हैं. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, रेस्ट प्रॉपर्टीज तो आपको आती हैं. हमारा मेन पर्पस प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एक्सेप्शंस को लेकर आना. आपको एक्सेप्शन पता होनी चाहिए, जैसे कि मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल. कौन बताएगा? 9th A समीर. हाँ जी, कोई और भी है क्या समीर? आ जाओ. मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल. यस, कॉपर कॉपर. वेरी गुड, खड़े रहो यहीं पर. हाँ जी शिवांग, फ्रॉम 9th A. हाँ जी बेटा, सेम क्वेश्चन. कॉपर वाह जी वाह, उसको खड़ा किया हुआ. सिल्वर मैम सिल्वर इट्स सिल्वर. ठीक है, गो बैक टू योर सीट. मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल इज सिल्वर एंड गोल्ड. दोनों इक्वली है, मतलब इनमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है. दिस इज सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है, यस. 10th B किसको बुलाएं? सुखमनजीत. 10th B सुखमनजीत एंड आफ्टर दैट जगरूप. सुखमनजीत एब्सेंट. जगरूप आ जाओ, आ जाओ. उसके बाद सागर. ठीक है, हां जी बेटा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. आयरन. अच्छा जी, और कुछ? अच्छा, सिल्वर. और कुछ? कॉपर. मैंने यहाँ पे आगे बेस्ट लगाया वर्ड. एक बेस्ट एक ही होता है, बेस्ट 3 नहीं होते. कॉपर. तो एक बताओ मुझे इसमें से कौन सा मार्क करूं. आयरन. 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 चलो, जाइए सीट पर. वेरी गुड.
हाँ जी, इसके बाद किसको बुलाया मैंने? सागर, आइए। ठीक बोला है आंसर? यस ओके, कोई और? यस वाले कौन कौन है कि आयरन इज करेक्ट आंसर? जस्ट रेज योर हैंड, जिस जिसको बोथ द सेक्शंस, बोथ 9th 10th एंड 10th भी, जिसको लग रहा है आयरन इज द करेक्ट आंसर, रेज योर हैंड। चल, जिन्होंने बोला उनको ही नहीं पता, बस बाकी सारी क्लास को आंसर आता है। चलिए बैठिए अपनी सीट पर जाके बेटा। तरनजोत सिंह फ्रॉम 10th B। आफ्टर दैट 10th है से रविंदर सिंह। हां जी बेटा, सेम क्वेश्चन, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आर यू श्योर? क्या है, तुक्का मार रहे हो? हाँ, क्या बोला? समझ नहीं। श्योर? ओके, चलो ठीक है, जाइए सीट पर, देख लेते हैं। हाँ जी, आ जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट जिसका नाम लिया था मैंने, रविंद्र सिंह। हाँ जी, बताइए जरा आंसर बेटा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। एल्युमिनियम एक और ऐड हो गया बेटा, अगर हमने बेस्ट बोला है तो इट विल बी 1। गो बैक टू योर सीट बेटा। द राइट आंसर इज सिल्वर। ठीक है, द आंसर इज सिल्वर। ये भी मतलब ये नहीं कि कंडक्ट नहीं करते ही, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज सिल्वर। सेम विद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर। ठीक है बेटा, ये तो किया हुआ होगा आपने सब कुछ। यस, आशीष फ्रॉम 10th है, आशीष। उसके बाद सरनप्रीत कौर, दोनों गेट रेडी। आ जाइए बेटा, जल्दी से आइए जरा। लिक्विड, लिक्विड 5th पार्ट का आंसर बताइए मुझे, लिक्विड मेटल। मर्करी वो तो सुन गया मुझे, बाकी क्लास का भी आपका बोलने की जरूरत ही नहीं थी, पूरी क्लास बोल तो चुकी मरकरी। चलो, इट इज मरकरी, इट इज। ये तो थोड़ा इजी था। ऊपर वाले का आंसर बताइए मुझे, 4th पार्ट का, सॉफ्ट मेटल। अभी कोई नहीं बोलेगा बेटा, बिल्कुल कोई सी के विस्परिंग ना आए मुझे। हाँ जी, हाँ जी, सोडियम यस, सोडियम। एक और भी है, पोटाशियम पोटेशियम। गुड, गो बैक टू द सी। ठीक है, देखो बेटा, मेटल्स आर जनरली हार्ड, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल आप यूज करते हो, इट इज हार्ड और सॉफ्ट? हार्ड मतलब सॉलिड, इट इज सॉलिड और नॉट सॉलिड? सॉलिड आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑल मेटल्स आर जर्नली सॉलिड। सारी मेटल्स जर्नली सॉलिड होती है, कुछ एक मेटल्स को छोड़कर। ठीक है, हम यहाँ पर सॉफ्ट क्यों बोल रहे हैं? जो सोडियम एंड पोटेशियम है, दे आर ऑल्सो सॉलिड। तो सॉलिड के कॉन्सेप्ट में हमने नहीं जाना, हम यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट के कॉन्सेप्ट में है। हार्ड वो चीजें हैं जो नाइफ से कट नहीं हो रही है, जिनको हम इजिली तोड़ नहीं सकते, कट नहीं कर सकते। बट पोटेशियम एंड सिल्वर मेटल्स ऐसे हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये किस तरीके से है? जैसे कि बटर होता है, बटर होता है ना, फ्रिज से निकाला और नाइफ से कट कर लिया, उस तरीके से ये कट हो जाती है। होती सॉलिड ही है, बट दे आर इजिली, दे कैन बी इजिली कट। ठीक है, सो दे आर द सॉफ्ट मेटल। ठीक है, लास्ट हमारा इसमें है, मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग, है ये नोट कर लेना बेटा, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मैंने ये जो प्रॉपर्टीज लिखी है, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हियर वी हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, सबसे पहले तो सोडियम ही आ जाएगा हमारा, Na, फिर पोटेशियम K। अब मैंने सिंबल जानबूझ के लिखे ताकि आपको सिंबल भी पता लगे। सोडियम इज Na, पोटेशियम इज K। अगेन इसके साथ दो आते हैं और, गैलियम एंड सीजियम, ये भी दो मेटल है,
गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस एंड सीजियम का अराउंड होता है 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिख लीजिए ये चारों। गैलियम एंड सीजियम। ओके, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है इन डिग्री सेल्सियस? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर थर्टी फोर किस किस को आता है बेटा आंसर ये? व्हाट इज आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? कोई भी आ जाओ माइक के पास एक बार जरा जल्दी से। इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ गैलियम एंड सीजियम मेटल, व्हाई इट स्टार्ट्स मेल्टिंग इन आर इन माय हैंड? और हाँ, कुछ हैंड्स रेज हुए हैं, वेरी गुड। फ्रॉम द 10th B, एनीवन फ्रॉम द 10th A? व्हाई गैलियम एंड सीजियम स्टार्ट मेल्टिंग इन माय हैंड? मैंने मेटल को हाथ में लिया और वो मेल्ट होने लग गई, क्यों? हैंड्स बहुत, मैंने अभी तभी 37 डिग्री सेल्सियस इतना बड़ा करके लिखा है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। यस 10th A। आई वांट द रिस्पांस फ्रॉम योर क्लास आल्सो। होगा, ट्राई तो करो, गलत ही तो बोलोगे ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट यू कैन ट्राई। गुड गुड, मैम बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट सो दैट्स व्हाई दे स्टार्ट मेल्टिंग व्हेन वी पुट देम ऑन आवर हैंड. ओके। कोई थोड़ा और एग्जैक्ट आंसर मुझे फ्रॉम 10th A कोई आकर बताओ जरा मुझे आंसर जल्दी से। बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन दैट. यस, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड द मेटल मेल्टिंग पॉइंट इज 30 डिग्री एंड 28 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने हाथ पे लिया तो मेल्ट होने लग गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस रेज होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पता होना चाहिए कि रीजनिंग, हम कहते हैं ना केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस से। ठीक है, तो लिखो जरा, गैलियम एंड सीजियम मेटल्स स्टार्ट, ये सारा लिख लिया बेटा सबके साथ साथ में? गैलियम इसमें लिखिए गैलियम एंड सीजियम मेटल्स स्टार्ट मेल्टिंग इन आर हैंड्स बिकॉज दे हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट देन आर बॉडी टेम्परेचर। देन आर बॉडी टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए सेम बेटा, अब हमने करनी है नॉन मेटल की एक्सेप्शंस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल हेडिंग डालिए, वो मैंने खैर लिखा नहीं हुआ फिलहाल। नॉन मेटल का है, फर्स्ट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस। मेटल्स जो होती है जनरली डल होती है, दे आर नॉट लस्ट्रस। ठीक है, चलिए हार्ड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल लिख लीजिए।
बेटा डन। चलिए ये हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें। आप बोलते हो कि जो नॉन मेटल्स है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। एनी एक्सेप्शन कोई बताएगा मुझे? यस किरणदीप कौर फ्रॉम 10th है। हाँ जी बेटा बताइए। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है ग्रेफाइट, गुड। ठीक है ग्रेफाइट क्या चीज है? इट इज फॉर्म फ्रॉम कार्बन। कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये आपने किया होगा अभी, फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फुल चैप्टर कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। पढ़ा है ये सबने? ठीक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के आप इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं आप लिखते हो ना ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, इस तरीके से आप करते हो, किया होगा फर्स्ट चैप्टर में भी किया होगा केमिकल रिएक्शंस में, जहां पर ब्राइन सॉल्यूशन बनता है एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, सॉल्ट्स बनाते हैं हम जहां पर, वहां पर भी ये डायग्राम किया सबने, किया या नहीं? है ना? तो ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स होती है, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है बात समझ आई? तो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कांट से इट बेस्ट, बट नॉन मेटल के केस में ये हमारा एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए आगे, लस्ट्रस। नॉन मेटल्स आर जनरली डल, उनमें कोई शाइनी लुक नहीं होती, बट एक मेटल है जो नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होती है, दैट इज आयोडीन। गुड, अब तो आंसर दे दिया मैंने, इसीलिए नहीं पूछा किसी से कि पता नहीं होगा। हार्डेस्ट नॉन मेटल, वेरी गुड, इट इज डायमंड। अगेन इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ, इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। कैन एनीवन टेल मी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड? कोई बताएगा कितने हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का? एंड मेल्टिंग पॉइंट इट इज नियरली 3300 डिग्री सेल्सियस। नियरली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मुझे यार, इसके आसपास है 3300 डिग्री सेल्सियस। चेक कर लेते हैं, थर्टी फाइव हंड्रेड है बेटा, इट इज 35, इसको 35 कर दीजिए। ठीक है 3500 डिग्री सेल्सियस कर लीजिए, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ जी बेटा बताइए। डायमंड इज इंट लस्ट्रस। डायमंड बेटा बिफोर पॉलिशिंग इट इज नॉट लस्ट्रस। डायमंड की एजेस को फिर कटिंग की जाती है, डायमंड की बहुत ज्यादा शार्प कटिंग होती है उसकी एजेस की, देन इट विल बिकम लस्ट्रस। इसके ओके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, लाइट एंटर करती है डायमंड के अंदर। आपने मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आई थिंक सेवेंथ या एट्थ क्लास में। लाइट जब मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती है, उस रिफ्लेक्शन के कारण जो डायमंड है वो शाइनी लुक देता है, अदरवाइज डायमंड इज लेस डल। ठीक ओके है मैम। चलिए, लिक्विड नॉन मेटल, यस वेरी गुड, इट्स ब्रोमीन। सिंबल क्या होता है ब्रोमीन का? बी आर। कैन एनीवन टेल मी द वैलेंसी? ब्रोमीन इज अ मेटल और नॉन मेटल? इसके नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और कितना नेगेटिव होते हैं? सबको वैलेंसी याद होनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी केमिस्ट्री आपको अच्छा करने के लिए आपको वैलेंसी जानी चाहिए। जब 9th क्लास का टेबल है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का, ठीक है, ब्रोमाइड इट इज -1, ठीक है क्लोराइड, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, सबकी वैलेंसी -1 होती है। ठीक है मैं इसलिए बोल रही हूँ साथ साथ में ताकि कुछ कुछ आपको पीछे वाली चीजें याद आती रहे, काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको रिकॉल हो रही होगी चीजें। ठीक है ये पढ़ा है अपने सपने।
ठीक है बच्चे, ये समझ आया बेटा सबको यहां तक? यस एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शंस कर लो। अच्छा मैं एक क्वेश्चन इसमें आपसे और पूछूं, नेम द नॉन मेटल विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या आंसर दोगे फिर? डायमंड। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए यहाँ पर मार्क कर दिया साथ में, इट हैज अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? आपकी क्लास 10 o'clock तक है बेटा ये वाली, 9:45 तक है? 9:45 तक, वी हैव द 10 मिनट्स ना, देन 5 मिनट्स। चलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए जरा, क्या होता है? सेवेंटी 11। और क्लोरीन का क्या होता है? सेवेंटी 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी टू एट। ये बताइए अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, ठीक है, अभी मुझे बताओ सोडियम एंड क्लोरीन आर इन द स्टेबल फॉर्म और नॉट? सोडियम नो विल फॉर्म मेटल और नॉन मेटल? क्लोरीन नॉन दोनों ही नॉन मेटल है, सोडियम विल लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा Na+, एंड क्लोरीन विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा Cl-। तो सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। अब हमारे पास क्या आता है, दो तरह के बॉन्ड्स आते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कौन मुझे बताएगा अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बनेंगे या कोवेलेंट बॉन्ड? ओके तब कोवेलेंट, एवरीवन? यस, इट इज रॉन्ग, द बॉन्ड फॉर्म विल बी आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पर। ये डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये सारी बॉन्डिंग डॉट स्ट्रक्चर्स ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है? तो आपको इसके लिए वैलेंस, तभी मैंने लिखा आपको फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, ओनली देन आई विल स्टार्ट विद द फर्दर टॉपिक, ठीक है? जिसको नहीं आएगा उसको लास्ट में हमने खड़ा कर देना सबको, जिनको एटॉमिक नंबर्स नहीं आएंगे, जिस जिसको नहीं आएगा, ठीक है? तो सबको एटॉमिक नंबर्स लर्न होने चाहिए, फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर्स। हमें ये पता करना है कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन कौन से कंबाइन होंगे। आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमेशा कहां बनते हैं? बिटवीन नॉन मेटल्स, उसमें नॉन मेटल नहीं होती है, बिटवीन नॉन मेटल्स। तो अगर आपको पता होगा कि मेटल कौन है नॉन मेटल कौन है, तभी तो आप बता पाओगे कि कहां आयनिक बॉन्ड बनेगा, कहां कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी? ठीक यस है, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ योर नेक्स्ट क्लास। चलिए अब यहां पर मुझे एक चीज और बताओ, अगर सोडियम एक एटम है तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वन, एक ही है ये वाला, तो इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? सोडियम एटम का डॉट स्ट्रक्चर बनेगा Na सिंगल डॉट। ये चीजें हमने सीखनी है, कैसे हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती, मुझे सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे क्लोरीन का बनाना, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 7। तो क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7।
ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने कहाँ डॉट्स लगाने हैं, यू कैन रेंडमली पुट इट एनी वेयर सराउंडिंग द एटम, ठीक है, एटम के आसपास कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बना क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर। तो जब हम इनके आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे एट दैट टाइम वी नीड द डॉट स्ट्रक्चर्स, और डॉट्स कब करेक्ट लगेंगे, जब आपको एटॉमिक नंबर्स आएंगे। इज दिस क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच टीचर्स। सो वी विल डू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय एवरीवन। Right, students. So, what we have done in the previous class, have we started with stats? बच्चों ने शुरू करी थी ना स्टैट? Have we started with stats or not? Okay. बच्चे आप लोगों ने किया है स्कूल में? Okay. किसी टॉपिक में कोई डाउट्स? वी शैल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द असाइनमेंट। जस्ट ओपन योर असाइनमेंट बच्चों। नो टॉकिंग बच्चे, नो टॉकिंग प्लीज। हाँ जी बच्चे, प्लीज ओपन योर असाइनमेंट। राइट स्टूडेंट्स, सो मॉड्यूल वन क्वेश्चन नंबर वन एमसीक्यू। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा, वन डाटा इज गिवन टू यू, डाटा इज 6, 7, एक्स माइनस टू, एक्स 17 एंड 20, रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर इज 16, मीन्स मीडियन इज गिवन टू यू 16, फाइंड एक्स। बेटा यू हैव टू फाइंड हेयर एक्स। नाउ इफ यू look at the data, it has already been arranged in the ascending order. Now you have to calculate the value of x when median is given 16. So what you shall do, first of all count the number of terms. How many terms are there? How many terms are there, bacho? Six. Six, right? So number of terms are even. So n is even, right? When n is even, what is the way to find out the median? Who will explain me? In the case of n even, how we can find out the median? Who will explain me? No one. Why so? No one knows how to find out the median in case of even number of terms. That's strange, really strange. देखिए बच्चों, when n is even, right? So median is, प्लस हाँ जी, median is n by 2th term plus n by 2th term plus n by 2 plus 1th term. अपॉन Now what is n? टू सिक्स N is 6, so n by 2 is, थ्री and n by 2 plus 1, फोर by 2 plus 1,
फोर्थ टर्म राइट बच्चों, यस सो थर्ड टर्म इज योर एक्स माइनस टू, फोर्थ टर्म इज योर एक्स। नाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, यस और नो? अरे भाई सो ग्लूमी, इतने डाउन डाउन क्यों है भाई, सुबह सुबह इतने थके थके लग रहे हो, है बच्चों? देखिए बेटा, यू हैव टू फाइंड एम, थर्ड टर्म एक्स माइनस टू प्लस एक्स अपॉन टू, इज इट क्लियर, यस और नो? मीडियन इज गिवन 16, सो व्हाट इट बिकम्स, इज इट क्लियर बच्चों? नाउ सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जल्दी से एक्स की वैल्यू निकालिए बेटा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। सर समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया बेटा, एनीथिंग? एक बच्चा खड़ा होके बताए बेटा क्या नहीं समझ आया। हिंदी बाजार नहीं बनाना है जी, जो समझ नहीं आया एनी वन प्लीज कम एंड टेल मी व्हाट नॉट क्लियर टू यू, विच स्टेप इज नॉट क्लियर टू, या पूरा क्वेश्चन है? 17 तो यू पीपल आर टेलिंग मी द आंसर, आप क्या बोल रहे थे समझ नहीं आया बच्चे। हाँ जी सर तुमको समझ आ गया? देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, द रूल फॉर फाइंडिंग द मीडियन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, मीडियन इज द मिडल मोस्ट टर्म, इज दिस क्लियर, यस और नो? So now the rule for finding the median is there, when the number of terms are even, you have to find the median by taking the sum of the n by 2th term and n by 2 plus 1th term and divide that by 2. Is it clear? Is this clear or not? Why you people are not responding? Yes, no. Yes, yes. राइट बच्चे, सो वी हैव टेकन दैट कॉन्सेप्ट, इन केस एन इज ऑड देन इन दैट केस व्हाट इज द मीडियन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एथ टर्म, 2th टर्म, राइट? यस, इज दिस क्लियर? यस, नाउ दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ना आई टेल यू, देखिए मीडियन मीडियन कैसे निकलता है, आपके पास सिक्स टर्म्स गिवन है, एक इधर से कट करते जाओ, एक इधर से, मिडल में पहुंच गए आप लोग, सो नाउ यू हैव गॉट दीज टू टर्म्स, अब दोनों में से मीडियन क्या करना है, दोनों को ऐड किया, दोनों का मीन लिया, मीडियन आ गया, समझ में आया बच्चों? ये किया है ना हमने, देखो यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 6 थी, बट इफ यू हैव 50-100 टर्म्स देन यू कांट डू दिस, इज दिस क्लियर और नॉट? यस, सो यहाँ पे सेम चीज है बेटा, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, सो वी हैव टेकन द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड देन मेक इट इक्वल टू द गिवन मीडियन, तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? 17 आ गया, 32 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 32 प्लस 2 इक्वल टू 2x, 34 इक्वल टू 9 बच्चों, इज दिस क्लियर? अभी किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो प्लीज टेल मी, एनीथिंग नॉट क्लियर नाउ? चलिए, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मॉड ऑफ द डाटा, व्हाट इज मॉड,
व्हाट इज मॉड बच्चों? व्हाट इज मॉड? ऑब्जर्वेशन विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. इज दिस क्लियर? जिस टर्म की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? मॉड. नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर टू. इफ द मॉड ऑफ द डाटा इज 43, देन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू. सी द क्वेश्चन इज 64, 60, 48, एक्स 43, 48, 43, 34 is. Now mod is given to you. What is given to you mod? 43. Now we have to check which number has the maximum frequency. Now there are how many 43? 1, 2. Is this clear, bachcho? And there are 248 also. So 48 we have 2, 43 we have 2, right bachcho? Then 34 1, 34 is 1, 60 64. Both are 1, right? And another is? X is also 1, right, bacho? Now, if median is 43, so 43 and 48 both are 2 times. If median is 43, that means the frequency of 43 is maximum. Yes or no? Yes. So what will be the value of X? X will be 43. X, beta, X is also there, na? So X will be 43. If yes. You X 43, then the frequency of 43 is 3, which is the maximum number of times. Hence, 43 will be the mod of the data. So, if X is 43, what is X plus 3? 46. Is it clear to all of you? Samajh mein aa raha hai? Koi doubt hai, to please ask the question. Right. So we move on to the next question. Third question, the mean of 1, 3, 4, 5, 7, 4 is M. बच्चे ये MCQs में ना आपके बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं. 1, 3, 4, 5, 7, 4. Their mean is M. And if we have the numbers 3, 2, 2, 4, 3, 3, P. Achha, they have the mean M minus 1, right? Okay. The numbers this have mean M minus 1 and median as? Median is Q. Haanji, then find the value of P plus 1. There is a correction in this question, bacho. Please correct it. This, in place of M, it will be P, not M. It should be P then. Is this clear? Because we have to find P plus Q. I think it should be P. We will check it out. Haanji, bacho. Here, the mean is given P. What will be the mean of these numbers? What is the mean of these numbers? You know how to calculate the mean? Bacho, how to calculate the mean? Sum of all the terms divided by the number of terms? Yes. So what is the sum total of all the terms? 24. 24? Yes. 24 upon? 6. So, mean is 4. So, what is the value of P? 4.
Four. Now the mean of this data is p minus 1. So what will be the mean? Three. So this term will be Four. beta, if this term is 4. Just a moment. The question is the mean of that data. Okay. Yes. So that can also be beta. Yes, m can be there because let's say it is m. इसको एम ही लेके रखते हैं क्योंकि पी इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन. इफ दिस इज एम, दिस इज एम, सो हियर एम विल बी 4, राइट बच्चों? दिस एम विल बी 4. सो मीन ऑफ दिस डाटा इज, मीन ऑफ दिस डाटा कितना आ जाएगा बेटा? नहीं आ गया. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द पी. सेवन What will be the value of p? p plus 2 plus 2 plus 4 plus 3 plus 3 plus p upon how many terms? How many terms? 3, 6, 7. सेवन But it will be equal to, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा ये? Is this clear? Yes or no? Yes. So can you find the value of P now? Can you find the value of P? Please do it, bachon. इसको सम कर लो बेटा. 3 2 5 7 11, 11 एंड 6 17. नीचे पैटर्न आ गई. फोर नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू. कैन यू फाइंड आउट क्यू? हाँ जी बच्चों. 3 2 2 4 3 3 एंड दिस विल बी 4. सो यू हैव टू अरेंज देम इनटू द फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर. There are two twos. How many threes will be there? Three threes. Is this clear, bachcho? To find out median, there will be two p only, two four only, not three. Hogi 7 times, beta. Now to find out the median, you have always to arrange the terms in the either ascending or descending order. Is this clear, bacho? So now how many terms are there? Seven. What will be the median? Or Median will be simple, है ना बेटा? 7 plus 1, 8. 8 by 2. four. So that will be the, this will be the median means. ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? थ्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? 4. फोर वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू, सेवन हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? एनीथिंग नॉट क्लियर? कैसा मुश्किल क्वेश्चन था ये? हाँ जी बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. इफ यू आई, व्हाट इज यू आई? हैव यू डन स्टेप डिविएशन मेथड बच्चों? हैव यू डन स्टेप डिविएशन मेथड? यस और नो? नो. So then we shall leave this question, bacho. Right? Is this clear? Then we comes out to the fifth question, bache. Yeah, number misprint hai beta. Fifth question. If mod of a series,
exceeds its mean by 12. Then mod exceeds the median by, हाँ जी बच्चे, इफ मॉड ऑफ ए सीरीज एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय 12, देन मॉड एक्सीड्स द मीडियन बाय, हाँ जी बच्चो, देर इज समथिंग मिसिंग इन दिस क्वेश्चन. मॉड ऑफ ए सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12, देन मॉड एक्सीड्स द मीडियन बाय. Do you know what is the formula between mean, median and mod? 3 median is equal to 2 mean plus mod. 3 median is equal to 2 mean plus mod. Right? और इसको एक दूसरा वे भी होता है ना लिखने का, mod is equal to 3 mean median minus 2 mean. So now yes. We can apply this question here. Let's say the mean is small m. Mean को हम small m लेते हैं बेटा. Median को capital M. And let's say mod is x. Right? Now we try to solve this question by this formula. What he says, mod of a series exceeds its mean by 12. So what is the meaning of this? X is equal to m plus. Is this clear, bachcho? Is this clear or not? Exceed means mod is greater than mean by 12. Is this clear? Bachcho, yes or no? Yes. Now we try to find out this question here. We have to calculate the mean, then the mod in the terms of median. Now put it here. 3 mean is equal to, aapka formula jo hai, ye hai hamare paas. X ki value aagi bache hamare paas. X ki value kya aayi hai beta? M plus 12. M plus? Now what we got? 3. Is this clear? 3 beta common leke hum cut kar denge. So 3 cancel ho gaya beta. Is this clear? So median kiske equal aa raha beta? Mean plus 4. What they have asked for, then the mod exceeds the median. Now tell me what will be the answer. Haan ji bache, median is equal to mod plus 4. So now you have to tell me, then mod exceeds the median by 4. Why 4? Beta, read the question carefully. We have to tell the mod exceeds the median by MCQ ki yehi problem hoti hai bache, question kuch hota hai aur we perceive it differently. Dekhi beta, median jo hai, mod jo hai, wo mean se 12 more hai. Is this clear? Yes or no? Yahan se mean ki value kya aagi beta? Mean is equal to mod minus 4 आ रहा है, yes or no? Yes. तो यहाँ पे अगर आप mean की value put करें, तो what you got? Mod is equal to median minus 4 plus 12. समझ में आ रहा है बच्चे? Yes or no? Yes. So now what will be mod equal to? Median plus, is this clear? Yes or no? Yes. So what will be the answer now? Yes. बेटा कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आया?
आई कैन टेल यू, आई थिंक मुझे लगता है कि मुश्किल से दो चार को समझ आया होगा, बिकॉज काफी ट्रिकी चीजें थी. वी हैव टू वर्क आउट ऑन द वेरिएबल्स. करना मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा एक बार क्वेश्चन. हाँ जी बच्चे, देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेटा. 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस नॉट. समझ में आया यहाँ पे? हमने व्हाट वी हैव बीन गिवन कि मीन जो है, सॉरी मीन जो है वो मॉड से 12 लेसर है. मीन्स मॉड इज 12 मोर देन मीन. डोंट टॉक फ्रंट बैंक सेक्शन बी, टू गर्ल्स टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. हाँ जी बच्चे, सो व्हाट वी हैव गिवन, मॉड इज इक्वल टू मीन प्लस 12. इज दिस क्लियर? यस और नो? वी हैव पुट वैल्यू ऑफ मॉड हियर. मॉड की वैल्यू मैंने पुट कर दी बेटा 2m+x. समझ में आ गया? तो अब बच्चे इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू डाल दी, x इज मॉड. मॉड को मीन की फॉर्म में डाल बेटा, m+12. तो उसके बाद मैंने ये इक्वेशन सॉल्व कर ली, 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन+12. सो देन मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन किसके इक्वल आया बेटा? यहां से मीडियन इज इक्वल टू मीन प्लस 4. इज दिस क्लियर? यस अब हमारे पास देखिए रिलेशन आ गया, मीडियन जो है वो मीन से 4 ज्यादा है, और मॉड जो है वो मीडियन मीन से 12 ज्यादा है. तो व्हाट वी वर सपोज टू फाइंड आउट, बाय हाउ मच मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन. इज दिस क्लियर? मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं. सपोज मॉड जो है हमारे पास, राइट, मॉड की वैल्यू 20 है, तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीन नाउ? राइट, यस और नो? नाउ वी हैव फाइंड आउट मीडियन की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की बेटा हमने, ये फाइंड आउट की है. तो मीन्स कितना आया? सो 12 से कितना ज्यादा है बेटा मॉड? 12 से कितना ज्यादा है मॉड? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा ये? नो व्हाट यू वांट, शैल आई एक्सप्लेन वंस मोर? यस फार्मूला बोलो बेटा क्या होता है. मीडियन इक्वल टू, बोलो जरा, ये फार्मूला है बेटा. इज इट क्लियर? मॉड किसके इक्वल है बेटा? दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? Yes. नाउ व्हाट 3 मीडियन बिकम्स? 2 मीन+मीन+12. आप ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है? Yes. नाउ व्हाट बिकम्स 3 मीडियन इक्वल टू, आप ठीक है? अभी भी कोई डाउट है तो बेटा यू कैन आस्क द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. आप ठीक है बेटा? यस और नो? अभी कुछ लोगों की मुझे नो की भी आवाज आ गई बीच में. ठीक हो गया? अब क्या आ गया बेटा, मीडियन किसके इक्वल आ गया? अब तो आगे तो हो जाएगा ना, आगे तो कोई इश्यू नहीं है. यहां तक क्लियर है ना सबको? अच्छा, अब दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास,
ये दूसरा रिलेशन बेटा, यस तो इनको रिलेशन बना दो इनका आगे, यस ये तो हो जाएगा ना आगे। ये यस लो देखो, ये देखो दो इक्वेशंस बन गई, सब्ट्रैक्शन कर दिया, आंसर मीडियन माइनस मॉड किसके इक्वल आ गया, माइनस 8 के, तो मॉड किसके इक्वल आ गया, ये मॉड को आप राइट साइड ले गए, मीडियन को आप लेफ्ट साइड ले आए, तो ये आ गए बच्चे। अभी Yes. कोई डाउट बेटा, No. आपको समझ आ गया है ना? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करना है आप लोगों ने, करो Yes. फटाफट करो। हो गया बच्चों नोट डाउन? यस हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू आर नोटेड डाउन, रेज योर हैंड्स। गप्पे मार रहे हो इस टाइम में आप, मुझे नजर आ रहा है 10th E सेंटर लाइन सेकंड बेंच, गर्ल्स आर बिजी इन गॉसिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। असर्शन रीजन, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन, इफ 35 इज रिमूव फ्रॉम द डाटा देन द मीडियम इंक्रीजेस बाय 1/2। सॉल्व करके देखो बेटा, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट। सबसे पहले ऑलरेडी दे हैव बीन गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। जल्दी से मीडियन निकालिए जरा इसका और चेक कीजिए ये करेक्ट है या नहीं है। हाँ जी बच्चों, 2 है नहीं है, इवन है बेटा, ऑड है नंबर ऑफ टर्म्स। इवन है आपके पास टर्म्स, राइट? इधर से निकाल दी, 3 इधर से निकाल दी, तो ये दोनों टर्म्स क्या है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जी। यस, तो मीडियन कितना आ रहा है आपका, 36 पॉइंट जा रहा है बेटा।
6.5. Yes. Is this clear? Now what he says, if 35 is removed from the data, अगर हमने 35 रिमूव कर दिया बच्चे, तो देन डाटा में हमारे पास कितनी टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो देन इन दैट केस व्हाट विल बी योर मीडियन बच्चा? फोर्थ टर्म आ जाएगी मीडियन देन 37. 37 आ रहा है मीडियन देन. देन यू विल हैव द नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी? 7. 7 मीन्स ऑड टर्म्स. सो 7 प्लस 1 बाय 2, that is fourth term will be your median, and in that case four term. देखिए मैं डाटा द्वारा से लिख देता हूं आप लोगों को क्लियर हो जाए. राइट बच्चों? नाउ वी हैव रिमूव्ड. सो देखिए थ्री टर्म्स इधर से निकाल दी, थ्री इधर से निकाल दी. सो दिस इज योर मीडियन. 37 आ रहा बेटा? इतना मुश्किल लग रहा है आपको? मतलब क्या डाउट्स आ रहे हैं बेटा? हाँ जी, मुश्किल है बेटा ये? फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप लोग कर नहीं पा रहे हो? हाँ जी, चलिए. नाउ हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? So what will be the assertion? True है ना? Yes. If 35 is removed from the data, then median increases by 1/2. So this is true. Reason: arrange the observation raw data in ascending or descending order. If n is odd, then median is this. If n is even, then median is this. Observation or average of two middle terms. Is this clear? So its reasoning is true or not? True. Is it the correct explanation? No. Why no? Yes, na beta? Yes. This is also the correct explanation, na? Yes. Yes. So the answer will be A option. Now comes to the next one. Assertion: the arithmetic mean of 1, 2, 3, 4 dash up to n is n square. बच्चे arithmetic mean निकालना आता है आप लोगों को? एपी कर चुके हो आप? व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी? हाँ जी, क्या होता है बेटा? अगर मेरे पास टर्म्स है 1, 2, 3, 4 to n, व्हाट इज द, सॉरी, अप टू n, व्हाट इज द सम ऑफ दीज टर्म्स? डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या होता है बेटा फार्मूला? हु विल टेल मी? इसका सम जो होता है ना बेटा, n इंटू n प्लस 1 बाय होता है बेटा? यस और नो? नाउ व्हाट, किसी को नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, अगर डाउट है तो. आप लोगों को अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज. हाँ जी, यस बच्चों, टेल मी. देखिए बेटा क्या होता है, एपी का सम क्या होता है बेटा हमारे पास? ये होता है बेटा, यस तो आ गया सेम फार्मूला. ए बेटा 1 है, एल आपके पास एन है, तो ये एन प्लस 1 बन गया. यस और नो? यस. कोई डाउट अब इसमें? नाउ व्हाट विल बी द मीन देन? मीन क्या हो जाएगा? ये सम हो गया बेटा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स आर एन. बच्चे मीन का फार्मूला क्या होता है? यस और नो? अच्छा, आप लोगों को क्लियर हुआ ये फार्मूला या नहीं हुआ? यस और नो?
देखिए बेटा, इफ वी हैव द ऑब्जर्वेशन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन, राइट, तो मीन का फार्मूला क्या होता है बेटा? समेशन एन, यही होता है ना, राइट? और समेशन एक्स आई क्या होता है? ये होता है बच्चों, यहां तो कोई डाउट, राइट? right? यहां तो कोई डाउट बेटा? तो यहां पे क्या आ जाएगा, सारी टर्म का सम आ गया बेटा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन, यस नो? बच्चों यहां तो कोई डाउट, No. एन से एन कैंसिल हो गया, व्हाट इज द मीन? ये आपके पास मीन आ गया बेटा, यस और नो? तो ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स, फॉल्स है ना बेटा, इसने एन स्क्वायर गिवन है, बट द एरर इज, हाँ जी ठीक है बेटा। नाउ रीजन इन स्टेप डिविएशन मेथड ऑफ फाइंडिंग, ये आपने किया नहीं तो प्लीज लीव दिस पार्ट, राइट? यस सर, नो नो टॉकिंग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, यस स्टूडेंट्स एनी डाउट मैम, एनीथिंग? स्टेप डिवीजन मेथड इज नॉट इन द सिलेबस। या मैम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग दैट, बाय यस मिस्टेक दिस क्वेश्चन आर देयर, सो आई एम नॉट कवरिंग, राइट? सो थर्ड क्वेश्चन, असर्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन द मीडियन, इज इट ट्रू? यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेदर यू नो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, पता क्या होती है बेटा? अरे बेटा, सीएफ लेते हो आप जब मीडियन निकालते हो? सीएफ लेते हो या नहीं लेते हो? फिर तो सिंपल है ना, सीएफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सर इज दैट हेल्पफुल इन फाइंडिंग द मीडियन, यस और नो? यस व्हाई यू पीपल आर नॉट क्लियर? सी, देखिए बेटा, जब आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं, सो वी हैव थ्री वर्टिकल लाइंस, टैली क्या होते हैं बच्चे? वर्टिकल कॉलम में क्लास क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो वी टेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? नेक्स्ट पार्ट इज रीजन इन द फॉर्मूला मॉड, बच्चे वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन एंड ही इज टॉकिंग अबाउट मॉड, सो इज द फॉर्मूला फॉर मॉड इज करेक्ट? तो सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी ऑप्शन आ जाएगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, असर्शन ए इज इक्वल टू 55.5, एन इज इक्वल टू 100, अगेन स्टेप डिविजन काफी दिया हुआ है, प्लीज लीव दिस क्वेश्चन ऑल्सो बच्चे, राइट? सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज अ केस स्टडी ड्यूरिंग मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, राइट? हाँ जी, द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा इज, हाँ जी बच्चों, व्हाट विल बी द मीडियन क्लास? यस, डू डू वन थिंग बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस डाटा इनटू, बच्चे सबसे पहले क्या करना है यहां पे, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? डाटा को अरेंज करना है बेटा, वी हैव टू फॉर्म द क्लास इंटरवल्स, सर यस।
प्लीज डू दिस, प्लीज डू दिस बच्चों। लास्ट इंटरवल की विड्थ क्या होगी बेटा यहाँ पे? हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, सो हमारे पास क्लास इंटरवल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? व्हाट विल बी द क्लास इंटरवल? लेस देन 38, जीरो मीन्स फर्स्ट इंटरवल क्या होगा बेटा? बेटा मैंने मैंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द फर्स्ट इंटरवल? इंटरवल बताइए, कौन बताएगा बेटा? प्लीज रेज योर हैंड द स्टूडेंट हु कैन टेल मी द इंटरवल्स। हाँ जी, हु विल टेल मी द क्लास इंटरवल्स? नो वन। व्हाई? सी बच्चों, देखिए फर्स्ट जो आपकी ऑब्जर्वेशन है दैट इज लेस देन 38, लेस देन 38 इज जीरो, देन सेकेंड इज लेस देन 40, सो वी कैन वी टेक द फर्स्ट इंटरवल 38 to 40? यस और नो? Yes. तो व्हाट विल बी द सेकेंड इंटरवल? Now tell me what will be the frequencies? Frequencies कौन बताएगा? वो तो बता दो। Yes बच्चों, who will explain me the frequencies? ऐसे नहीं चाहिए बेटा। You please come to the mic and then tell me. कौन आके बता रहा है बेटा? आ जाओ प्लीज। 38 से 40 की होगी 3 एंड देन फिर आराम से आराम से आराम से, मेरी स्पीड थोड़ी कम है, आराम से। हाँ जी, नहीं 3, देन 3 5 के बाद 5, 5 5 5 देन 9 वाई वाई 4 फाइव, वाई फाइव। वोंट इट बी टू? वोंट इट बी टू? बच्चे दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू। जस्ट जस्ट अ मोमेंट, एवरीबडी लुक हेयर, राइट? सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज थिंक लेस देन 38, लेस देन 38, देन लेस देन 40, नाउ 30, लेस देन 38 आर 0 एंड लेस देन 40 आर 3, सो थर्ड इज लेस देन 42। सी बच्चों लिसन, लेस देन 42, बच्चे जो 42 से लेस होंगे वो 40 से भी लेस होंगे, यस और नो? हाँ जी, यहाँ पे 2 आएगा बेटा। फाइव, देन 14, देन इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? नाउ नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा? व्हाट विल बी द मीडियन क्लास? मीडियन कैसे आया बेटा? टोटल इज 35, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं ना यहाँ पे। नहीं, सेम तो है बेटा, बट लिखनी तो पड़ेगी, राइट? सो 35 का हाफ कितना होता है? डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे 35।
कितना हो गया? 17.5. सो फ्रीक्वेंसी 17.5 लाइज इन दिस इंटरवल. 14. तो इसका आंसर होगा 46 to 48. 46 to 48. सो द मीडियन क्लास विल बी 46 to 48. नाउ द लोएस्ट लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. व्हाट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास? व्हाट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास? 46. देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. सो दिस इज द मॉडल क्लास एंड दिस इज द लोएस्ट, राइट? नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, द मीडियन वेट. प्लीज फाइंड द मीडियन वेट. अब ये तो कर सकते हो ना, आप जल्दी से फार्मूला लगा के सॉल्व कीजिए बच्चों. मीडियन का फार्मूला लगाइए जल्दी से. क्या होता है फार्मूला बेटा? डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ ओवर एफ इन मल्टीप्लाई बाय एच. What will be the value of L? L की वैल्यू 46 है. N by 2 कितना हो जाएगा बच्चों? सेवनटीन पॉइंट फाइव. What will be the CF? 14. On what will be the F? ये आ गया 46.5 आ गया. कैलकुलेट करके देखना, 46.5 आ रहा है बेटा. आ रहा है? हाँ जी बच्चों, ठीक है यहाँ तक? बच्चों देखो ये क्या आ जाएगा, 17.5 माइनस 14, 3.5. 3.5 इंटू 2 7 बाय 14 इज 1 बाय 2. 46 प्लस 1 बाय 2 इज 46.5. क्लियर? नाउ फोर्थ क्वेश्चन. बेटा प्लीज नो टॉकिंग. इफ यू हैव सम डाउट प्लीज टॉक टू मी, आई क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट बेटा, द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लासेस. यस टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास. व्हाट इज द सम ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास? व्हाट इज द मॉडल क्लास? मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास आर बोथ सेम. 46 to 48. 46 प्लस. बेटा लोएस्ट लिमिट पूछा है इसने, लोअर लिमिट. सो दोनों की 46 है ना हमारे पास, सो इट शुड बी 92. बट 92 ऑप्शन में नहीं गिवन है. आई थिंक 82 हो सकता है. इन्होंने यहाँ पे दे माइट हैव गिवन बाय द मिस्टेक, सो इट शुड बी 92. बिकॉज मोड एंड मीडियन बोथ फॉल्स इन 46 to 48. इज दिस क्लियर बच्चों? हाँ जी, एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, आफ्टर कंप्यूटिंग मीन एंड मीडियन मोड कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग. हाँ जी बच्चे, ए ऑप्शन राइट? तो इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट. नाउ अनदर केस स्टडी इज देयर. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कंज्यूम पर पर्सन, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन.
बच्चे हमें कुछ डाटा गिवन है, राइट? ठीक है, टैरिफ, टाइप ऑफ सप्लाई, मीटर रीडिंग डेट, ठीक है। टैरिफ कौन सा है? एलटी रेजिडेंशियल। बिल नंबर गिवन है, कनेक्टिंग लोड गिवन है। सो सम डाटा इज गिवन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? नाउ ए सर्वे इज कंडक्टेड फॉर 56 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी ए एंड 80 फैमिलीज ऑफ कॉलोनी बी। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वीकली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द फैमिलीज। बच्चे वीकली कंजम्पशन गिवन है इन यूनिट्स एंड नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है। वी हैव टू फाइंड द मीडियन वीकली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलोनी ए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन यू पीपल डू इट? जल्दी से करके बताइए जरा। मैं डाटा आपके लिए यहां पे लिख देता हूं बच्चे। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 13, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, राइट बच्चों? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आ जाएगा बच्चों। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए? 16, राइट? यहाँ पे स्पेस दे देता हूं मैं, थोड़ा सा सीएफ लेनी होगी आपको बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज गिवन 0, 5, 10। ट्वेंटी फोर्टी फाइव बच्चे मीडियन निकालिए फटाफट से डाटा ए का। प्लीज फाइंड आउट द मीडियन। बेटा कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नो टॉकिंग प्लीज। यू जस्ट हैव टू फाइंड द मीडियन फॉर दिस डाटा। कुछ नहीं करना है, यहां पे इसकी सीएफ लो और कर दो इसको। राइट बच्चों? हाँ जी, प्लीज फाइंड द मीडियन फॉर दिस डाटा। व्हाई यू पीपल आर नॉट डूइंग? ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर डूइंग, ऑल अदर आर सिटिंग आइडल। हाँ जी बच्चों, हो जाएगा ना फर्स्ट पार्ट आपका? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालना है, सेकंड क्वेश्चन यू आर सपोज टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द डाटा, थर्ड क्वेश्चन में मॉडल क्लास, द मॉडल क्लास इन द टेबल फॉर कॉलोनी ए। फर्स्ट और सेकंड यू पीपल कैन डू। व्हाट विल बी द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन बच्चों? व्हाट इज द मॉडल क्लास? व्हाट इज द मॉडल क्लास फॉर कॉलोनी ए? देखो, आपके पास डाटा गिवन है कॉलोनी ए का। विच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम? 18 18 है ना बेटा, तो दिस विल बी योर मॉडल क्लास, 20 to 30। नेक्स्ट इज द मॉडल वीकली कंजम्पशन। यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ द कॉलोनी बी एंड फिफ्थ इज मीन ऑफ द कॉलोनी बी। सो दिस इज सब्जेक्टिव पार्ट, यू कैन डू इजीली। आता है ना बच्चों मीन मीडियन मोड फाइंड करना? यस और नो? यस तो यू कैन फिनिश दिस ऑफ, राइट? यस सर सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट टीचर्स।